अगर आप फोर्थ आई न्यूज के नियमित दर्शक हैं, तो ये जरूर जानते होंगे कि हम आपको चुनावों के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारियां देते आ रहे हैं। और अब वो वक्त नजदीक आ चुका है जब आपको विधायक बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले नेताओं को उनके 5 साल के काम का सर्टिफिकेट देना है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। वही नेता को सर आंखों पर बिठाती है और वही कुर्सी से नीचे उतार कर फेंक देती है। इसी के चलते फोर्थ आई न्यूज ने आपसे पूछा कि इस चुनावी सीजन में हम अपने काम की शुरुआत कहां से करें, जिस पर आप लोगों ने छत्तीसगढ़ से ही शुरुआत करने के लिए वोट किया था और हमारा भी पहला प्यार छत्तीसगढ़ ही है। लिहाजा आज हम आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों में से धरसीवां विधानसभा सीट के बारे में बताने जा रहे हैं। 2018 में धरसीवां विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,09,629 मतदाता थे। वैध मतों की कुल संख्या 1,64,490 थी। कांग्रेस की उम्मीदवार अनीता योगेंद्र शर्मा इस सीट से जीती और विधायक बनी। उन्हें कुल 78,989 वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवजी भाई पटेल कुल 59,589 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वो 19,400 मतों से हार गए। यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से लगातार धरसीवां विधानसभा सीट भाजपा के पास रही थी और देवजी भाई पटेल लगातार 3 बार इस विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। हालांकि साल 2013 में मौजूदा विधायक अनीता योगेंद्र महज 2,390 वोटों से चुनाव हार गई थी, लेकिन इसकी भरपाई उन्होंने 2018 में कर ली और देवजी भाई पटेल को करीब 20,000 वोटों से हरा दिया। अब साल 2023 में धरसीवां विधानसभा की जनता किसके साथ जाएगी, इसके बारे में आप भी अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें कमेंट में धरसीवां विधानसभा से कांग्रेस और भाजपा के उन जिताऊ कैंडिडेट्स के नाम भी लिखें जिन्हें इस बार पार्टी टिकट दे सकती है। और अगर आप किसी दूसरी विधानसभा सीट के बारे में जानना चाहते हैं तब भी हमें जरूर बताएं। तो चुनावी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस खबर को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।